बिहार चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस का असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा। इसको देखते हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया जाएगा। वो पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव के साथ बिहार चुनाव की रणनीति बनाएंगे। यही वजह है कि बीजेपी ने इस मसले को मुद्दा बनाया है और फडणवीस को मैदान में उतार दिया है। वहीं सुशांत के पिता पर दूसरी शादी का आरोप लगाने वाले संजय राउत के सुर बदल गए हैं। संजय राउत अब उनके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, संजय राउत ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत हमारा बेटा है। सुशांत मुंबई में रहते थे और वो एक अभिनेता थे। संजय राउत ने कहा कि बॉलीवुड मुंबई का ही परिवार है। संजय राउत ने सवाल करते हुए कहा कि हमारी सुशांत से क्या दुश्मनी हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में महाराष्ट्र और बिहार पुलिस के बीच चल रही तनातनी के बाद फडणवीस को चुनाव में लगाया गया है। भाजपा का मानना है कि अभिनेता के अकस्मात निधन की जांच आगामी चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा बनेगी। बिहार के क्षेत्रीय दल पहले से ही सुशांत को बिहारी गौरव बताकर जांच की मांग कर रहे हैं। बढ़ते दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी, जिसे रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। संजय राउत ने सफाई देते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। राउत का कहना है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को धैर्य रखने के लिए कहा था। मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मैं सुशांत के परिवार को धमका रहा हूँ। संजय राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस पर विश्वास रखें। अगर आपको लगता है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो सीबीआई की मांग कर सकते हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई कर रही है। इसी बीच रोज इस केस को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब रिया की और भी कॉल डिटेल सामने आई है। सुशांत के निधन वाले दिन यानी 14 जून को रिया ने एक महिला से 1 घंटे 7 मिनट बात की थी। रिया को 7 कॉल्स और 25 मैसेज आए। वहीं रिया ने 9 कॉल्स की। सुबह 7:38 पर राधिका मेहता नाम की महिला ने रिया को कॉल किया था। इस दौरान दोनों के बीच 30:55 लंबी बात हुई। इसके बाद रिया ने फिर 8:08 पर राधिका मेहता को कॉल की और इस दौरान दोनों के बीच फिर 30 मिनट लंबी बातचीत हुई। रिया ने फिर तीसरी बार राधिका को 8:38 पर कॉल किया और इस बार दोनों के बीच 5:41 बात हुई। एक खुलासा ये भी हुआ कि सुशांत के पैसों से कई बार रिया चक्रवर्ती विदेश की यात्रा कर चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूएई, स्विट्जरलैंड जैसे तमाम देशों का दौरा रिया ने पूर्व में किया था। यहाँ तक कि विदेशों में होने वाली शॉपिंग से लेकर टिकट तक के पैसे रिया सुशांत के अकाउंट से देती थी। 6 महीने में रिया ने कई बार विदेश का दौरा किया। सूत्रों की माने तो केंद्रीय जांच एजेंसियां सुशांत के कई खातों की जांच कर रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। बिहार सरकार और रिया ने लिखित दलील सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी है। रिया चक्रवर्ती की याचिका पटना में दर्ज केस मुंबई ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या फिर सीबीआई। केंद्र ने सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया है। सीबीआई ने कहा है कि 56 गवाहों के बयान दर्ज करने की मुंबई पुलिस की कार्रवाई किसी कानून के बैकअप के तहत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई में कोई केस लंबित नहीं है, इसलिए वहां केस ट्रांसफर का कोई सवाल ही नहीं है। रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया। रिया के वकील ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा दर्ज एफआईआर गैरकानूनी है। बिना अधिकार क्षेत्र के बिहार सरकार ने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो बिना किसी आधार के हैं। ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर्स और कुछ पुराने कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी उन सभी से ये समझने की कोशिश करेगी कि कैसे सुशांत उनकी सैलरी दिया करते थे। ईडी सुशांत के मासिक खर्चों के बारे में भी उनसे पूछेगी। कुक नीरज और हाउस स्टाफ दीपेश सावंत को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड को भी समन भेजा है। एजेंसी सुशांत के बॉडीगार्ड का आज बयान दर्ज करेगी। बॉडीगार्ड ने सुशांत संग कई सालों तक काम किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।